मेरे साथ है? चलिए, तो अब पुनः आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कम से कम इतने लोग तो मेरे लिए आए, और हम चाहेंगे कि 18 बच्चे भी यदि 100 नंबर ला दें तो स्कूल की प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा और मेरी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। तो आइए हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सभी लोग अपने जगह पर खड़े हो जाते तो ज्यादा अच्छा होता। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ समझ ले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक उस परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, और वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को क्लास चलता की ओर प्रेरित करे। तो ओम शांति शांति शांति। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तिरुकुरल गुड मॉर्निंग मैम। शुक्ति मुस्कान, मुस्कान अपना माइक ऑफ कर लो। शुक्ति चैप्टर का पहला श्लोक हम पढ़े थे, और उस पहले श्लोक को बताएगी काजल। पहला श्लोक क्या था काजल, जल्दी बोलो। सर अन्वय। अन्वय, अन्वय के साथ अर्थ जल्दी बोल दो कि हम लोग चार श्लोक इसके आगे बढ़े। पिता पुत्राय बाल्ये महता विद्या धनम यच्छति पिता अस्य किं तपः तेपे इति उक्ति तथा कृतज्ञता। कृतज्ञता, आशीष रंजन, आशीष रंजन, कृतज्ञता में कौन सा प्रत्यय है? आशीष रंजन 10D, कृतज्ञता में कौन सा प्रत्यय है? हाँ खुशी बोलो। कृतज्ञ जोड़ तल। कृतज्ञ जोड़ तल। चलिए अगला है प्रत्युष राज 10C। प्रत्युष, आपसे प्रश्न है, पुत्राय तपः कः करोति? पुत्राय तपः कः करोति? पुत्र के लिए तपस्या कौन करता है? अगला प्रश्न, ये हम रौनित सुमन, रौनित सुमन, आप बताएंगे रौनित? हाँ बोलो शालिनी, बोलो। सर पिता। पिता, चलिए अगला प्रश्न है, और वो प्रश्न जाएगा खुशी के लिए। खुशी ये बताओ कि कृतघ्नता, कृतघ्नता इस अर्थ में श्लोक में एक पद आया है, वो पद क्या है? अगला ये प्रश्न जा रहा है स्नेहा सिंह टेंडी, स्नेहा सिंह टेंडी, कृतघ्नता इसका विलोम पद एक श्लोक में आया है, वो श्लोक क्या है, वो शब्द क्या है? कृतज्ञता। वाह वेरी गुड, कृतज्ञता। चलिए अब कृत्या आनंद, दूसरा श्लोक क्या था? दूसरा श्लोक कृत्या आनंद। यस सर। बोलो सर, दूसरा श्लोक। हाँ हाँ,
अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद यदि तदेव आहु महात्मा न समत्विमिति तथ्यतः। वेरी गुड। अगला प्रश्न, ये प्रश्न अब आप लोगों में से कोई बताए कि वाची किम न भवेत, वाची किम न भवेत, न न वक्रता, न वक्रता। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपसे है कि हृदय इत्यस्मिन अर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। चित्ते। अगला और लास्ट प्रश्न, कुटिलता, कुटिलता इस अर्थ में श्लोक में कौन सा पद है कुटिलता? बोलो कुमारी खुशी तेने। आदित्य शंकर तेने। सर आहु। अवक्रता, कुटिलता मतलब सहजता, सुंदरता, अकुटिलता। अब कुटिलता में कौन सा प्रत्यय है आप बता दीजिए, कुटिलता में कौन सा प्रत्यय है? कृत्य बताएगी जल्दी, संस्कृति बताओ, संस्कृति बताओ, संस्कृति तल, तल, कुटिल जोड़ तल। वेरी गुड, कुटिल जोड़ तल। तीसरा श्लोक, तीसरा श्लोक ये जा रहा है सुगंध, सुगंध क्लास में है नहीं है तो ये श्लोक अगला, दिनेश कुमार टेंथ बी, दिनेश कुमार टेंथ बी आप सिर्फ श्लोक पढ़ दे। चलिए नहीं पढ़ पाएंगे, कृत्य आनंद आप बोलिए जल्दी तीसरा श्लोक। यस सर। बोलो। त्यक्त्वा त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युधीरेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंकते अपक्वम विमूढधे। अपक्वम फलम कह भूंते, अपक्वम फलम, फलम कह भूंते, विमूढधे, विमूढधे। अगला प्रश्न है कीदृशी वाणी पक्व फलेन तुल्या अस्ति, कैसी वाणी पके हुए फल की तरह होती है? धर्म प्रदान। चलिए अगला, और हम जो कल पढ़े थे पांचवा श्लोक, आप लोगों को बोले थे कि हम फिर से बता देंगे, वो श्लोक था कि यत् प्रोक्तम् येन किम् अपि तस्य तत्त्वार्थ निर्णय, तस्य तत्त्वार्थ निर्णय कर्तुं शक्यो भवेत् शक्यो भवेत् जोड़ ये विवेक इति जोड़ पीड़िता। अब ध्यान देंगे आप लोग, प्रश्न जो आप में आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें ध्यान देंगे कि प्रोक्तम में कौन सा प्रत्यय है। कृत्य बताएगी प्रोक्तम में कौन सा प्रत्यय है, लिखिए। अक्त ठीक है। अगला प्रश्न है तत्वार्थ निर्णय, इसका विग्रह करेंगे तो होगा तत्वार्थस्य निर्णय, तत्वार्थस्य निर्णय। इसके बाद आता है कर्तुम, कर्तुम इसमें है क्रीजोड़ तुम, कर्तुम क्रीजोड़ तुम। आगे आते हैं शक्यो, इसमें है शक्त जोड़ यत्,
और ईरिता ईरिता इसको तोड़ते हैं तो ईर जोड़, ये हमारा व्याकरण है। प्रश्न आप में आएगा कि इर पदे कह प्रत्यय कत कतवतु क्षत्रि सानच, आपका उत्तर होगा। अब आते हैं हम इस पे अन्वय ध्यान देंगे। येन और केन दोनों में तृतीया विभक्ति एक बची है और तृतीया विभक्ति होता है करण कारक, तो करण कारक का चिन्ह होता है से और द्वारा। तो येन केन अपि जिस किसी से भी, जिस किसी से भी यत प्रोक्तम जो कहा गया, जिस किसी से भी जो कहा गया, येन केन अपि यत प्रोक्तम जिस किसी से भी जो कहा गया, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसके तत्वों के अर्थ का निर्णय, यानी हम कुछ जानेंगे तभी ना किसी को कुछ बता पाएंगे, यदि नहीं जानते हैं तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। तो कह रहा है कि जिस किसी से भी जो कहा गया उसके तत्वों के अर्थ का निर्णय येन कर्तुं शक्यो भवेत, जो करने में सक्षम हो, भवेत पदे विधि लिंग लकार, जो करने में सक्षम हो वह विवेक, विवेक मतलब बुद्धि, बुद्धि वाला इति ऐसा ईरितः कहा जाता है। येन केन अपि यत् प्रोक्तम जिस किसी से भी जो कहा जाता है, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसके तत्वों के अर्थ का निर्णय, येन कर्तुं शक्यो भवेत, येन कर्तुं शक्यो भवेत जो करने में सक्षम हो वह विवेक वाला बुद्धि वाला ऐसा कहा जाता है। क्लियर, एक बार और देख ले। येन केन अपि यत् प्रोक्तम जिस किसी से भी जो कहा जाए, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसके तत्वों के अर्थ का निर्णय, येन कर्तुं शक्यो भवेत जो करने में सक्षम हो वह विवेक वाला ऐसा कहा जाता है। अब हम अन्य प्रश्न अन्वय करेंगे, तो अन्वय हम आदित्य शंकर तीन ऐसे पूछेंगे। आदित्य कल भी आप नहीं बताए थे, आज तो बता दे आदित्य शंकर तीन। यस सर, बोलो बेटा। एन केन अपि यत् प्रयुक्तम तस्य तत्व निर्णय एन कर्तुं शक्यो भवेत् स विवेकः इति इतरे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आदित्य आपसे प्रश्न है, अर्थ तो क्लियर हो गया कि जिस किसी से भी जो कहा जाए उसके तत्वों के अर्थ का निर्णय जो करने में सक्षम हो वह बुद्धि वाला कहा जाता है। तो आदित्य आपसे प्रश्न है कि कह तत्वार्थ निर्णय कर्तुं शक्नोति। हाँ बोलो। सर श्लोक का एक और बार मीनिंग बता दीजिए सर, दिक्कत हो रही है। येन केन अपि यत् प्रोक्तम जिस किसी से भी जो कहा जाता है, तस्य उसके तत्वों के अर्थ का निर्णय, ये जो कर्तुं करने में सक्षम हो वह विवेक वाला ऐसा कहा जाता है, बुद्धि वाला ऐसा कहा जाता है। प्रश्न है कि कह कह तत्वार्थ निर्णय कर्तुं शक्यो भवेत् विवेकी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है मुस्कान से, येन केन अपि यत् प्रोक्तम
तस्य कथनस्य किं करणीयम्। येन केन अपि यत् प्रोक्तम् तस्य कथनस्य निर्णयः किं करणीयम्। बोलिए तत्वार्थ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला, विवेकी किम कर्तुम शक्नोति। विवेकी किम कर्तुम शक्नोति। बोलिए विवेकी किम कर्तुम। कृत्या जल्दी बोलो। काजल, मुस्कान, इतिरिता, तत्वार्थ निर्णय। वेरी गुड, काजल का आंसर सही है। विवेकी किम कर्तुम शक्नोति, तो विवेकी तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्नोति। ठीक है, अगला प्रश्न है, स विवेक इति इरितः अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। कोई भी बोलिए इस वाक्य में। इरितः, बोलिए इरितः। इरितः, इरितः, अस्मिन् वाक्य कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्ता पद क्या है। बोलो शालिनी, बोलो सुहानी, प्रियांशु, बोलो। सा विवेक दोनों क्रिया कर्ता है, और कर्ता आपसे जब भी कोई प्रश्न करे कर्तृपद, तो कर्तृपद मतलब कर्ता। आप वाक्य में देखेंगे कि किसमें प्रथमा विभक्ति है, और जो भी प्रथमा विभक्ति होगी वह कर्ता होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अगला श्लोक। इसे कोई दिक्कत समझने में, बताइए कि एक बार और पढ़ ले। बोलिए कृत्या, एक बार और की आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़िए सर। ठीक, अगला श्लोक है, बिल्कुल आप लोगों के लिए है। वाक पटु धैर्यवान मंत्री सभाया अपि अकातरः। सभायाम अपि अकातरः, अकातरः स केनापि, स केन अपि, केन अपि प्रकारेण, परे जोड़ न परिभूयते, परिभूयते। ठीक है निमेश, निमेश आपको हम यदि रिमूव कर दे तो अच्छी बात नहीं होगी, आप कृपया माइक ऑफ कर ले अपना। ठीक है, ओके ओके सर। ये देखिए, ये श्लोक है, इसके पहले कि हम इसका व्याकरण जान ले, आप लिख लेंगे वाक्पटु। इसका विग्रह हम बताए थे तृतीय तत्पुरुष में, वो था वाची पटु। इसके बाद था धैर्यवान, और धैर्यवान का कृत्य बताएगी कि धैर्यवान का प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय सर, मतुप। धैर्य जोड़ मतुप, धैर्य जोड़ मतुप। वेरी गुड, धैर्य जोड़ मतुप। अगला है, अगला है, ये हम पढ़ाए नहीं है, पहले आप लोगों को पढ़ना था लेकिन ये कोरोना काल के चलते हम लोग नहीं पढ़ पाए। इसमें होता है मंत्र जोड़ ऋणी, और ये संधि विच्छेद आप ध्यान रखेंगे, स
सभायाम जोड़ अपि जोड़ अपादरा। इसके बाद ये संधि विच्छेद याद रखेंगे, परह जोड़ न, परैर शब्द आपके श्लोक में है परैर, तो संधि विच्छेद हो गया परह जोड़ न। केन अपि शब्द है लेकिन संधि विच्छेद केन जोड़ अपि। अब इसका अन्वय बिल्कुल सीधा है, देखेंगे वाक पटु, वाक पटु मतलब बोलने में, पटु मतलब चालाक, बोलने में चालाक अर्थात कुशल, बोलने में कुशल, धैर्यवान, धैर्य वाला। यदि आपसे कोई प्रश्न करता है तो आप लोग छोड़ देते हैं, मीटिंग छोड़ देते हैं, धैर्य नहीं रहता है, मुझसे सर पूछ देंगे मुझे नहीं आएगा, अरे नहीं आएगा तो अगला आंसर देगा, आप जान तो जाएंगे। तो बोलने में कुशल, धैर्य वाला मंत्री, मंत्री मतलब होता है श्रेष्ठ, मंत्री का अर्थ होता है श्रेष्ठ। सभायाम, अस्मिन पदे का विभक्ति अस्ति, कृत्या, काजल, आयुषी, आयुषी बोलिए, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो बोलने में कुशल, धैर्य वाला मंत्री और सभा में भी अकात्र, अकात्र को बोलते हैं, अकात्र को होता है लकात्र, न कातर, कातर मतलब घबराने वाला और अकातर मतलब नहीं घबराने वाला। बोलने में चालाक, धैर्य वाला, श्रेष्ठ और सभा में भी नहीं घबराने वाला, सभा में भी नहीं विचलित होने वाला। आगे कहता है सकिन अपि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से, वह किसी भी प्रकार से परह मतलब दूसरों से न परिभूयते, परिभूयते मतलब अपमानित होना, तो न मतलब नहीं, दूसरों से किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं होता। कौन व्यक्ति नहीं अपमानित होता है? बोलने में कुशल, जिसके पास धैर्य हो, श्रेष्ठ व्यक्ति वही श्रेष्ठ होता है जो अपने कर्तव्य का सही सही पालन करता है, और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का सही पालन करता है, आप ध्यान देंगे मेरे पास इतने सेक्शन है, 28 लोग अभी है, तो जो बाकी ज्वाइन नहीं क्लास किए हैं वो अपने कर्तव्य का पालन सही नहीं कर रहे हैं, स्कूल को पैसा तो दे ही रहे हैं और अपने कर्तव्य का, यानी यही बात हुई, हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि आप यदि डक बंगला जाते हैं और मोटरसाइकिल चलाते हुए जाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं और डक बंगला के पास पुलिस को देखते हैं तो आप क्या करते हैं बोलिए? हेलमेट लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कोई बताएंगे क्यों लगाते हैं हेलमेट? डर से लगा लेते हैं। चालान काट देगा सर, चालान काट देगा, ठीक है, तो डर लगता है ना, तो आपको यहां डर नहीं है। दूसरी बात, आप समोसा की दुकान पर जाते हैं और समोसा खरीदते हैं, आपको समोसा चाहिए दो और एक समोसे का दाम है 10 रुपया और आपके पास है 15 रुपया और आपको दो समोसा चाहिए, तो क्या आपको दुकानदार दो समोसा दे देगा 15 रुपया में? नहीं देगा। और आप ऐसी दुकान में जहां आप पैसा पहले पेड कर देते हैं और पढ़ते नहीं, तो ये है हमारा श्लोक का विषय वस्तु कि बोलने में चालाक, धैर्य वाला, श्रेष्ठ
और सभा में भी नहीं घबराने वाला, स्वकीन अपि प्रकारेण वह किसी भी प्रकार से परह दूसरों से न परिभूयते अपमानित नहीं होता है, वह किसी भी प्रकार से दूसरों से अपमानित नहीं होता है। क्लियर। एक बार और लास्ट देखिए, बोलने में चला धैर्य वाला मंत्री अर्थात श्रेष्ठ, सभा में भी न घबराने वाला, वह किसी भी प्रकार से दूसरों से परह अस्मिपदे तृतीय अभिव्यक्ति बहुवचन, दूसरों से न परिभूयते अपमानित नहीं होता है। अब आपसे प्रश्न है कि तर एक और रिपीट कर दीजिए श्लोक एक बार। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः सकीन अपि प्रकारेण परह न परिभूयते। बोलने में चला धैर्य वाला मंत्री और सभा में भी न घबराने वाला, सकीन अपि प्रकारेण वह किसी भी प्रकार से दूसरों से अपमानित नहीं होता है। ये श्लोक है। तो आप लोगों से इसे दो प्रश्न हम पूछ लेते हैं कि वाक मंत्रिणः कति गुणः अत्र वर्णितः। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके कितने गुण यहां बताए गए हैं। बोलिए बोलिए। तीन तीन कृत्या वाक्पटु और सभायाम अपि। चलिए तो अब हम लोग दो श्लोक और पढ़ने हैं, इस चैप्टर को खत्म करके हम लोग एमसीक्यू बनाना शुरू करेंगे। तो आइए अगला। इसमें कोई परेशानी किसी को? नो सर। अब अगला श्लोक है देखिए, अगला श्लोक है इच्छति आत्मनः श्रेयः। प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यात् जोर अहितम् कर्म स परेभ्यः कदापि। श्लोक बिल्कुल आसान, ठीक है। अब देखिए ये कहता है या मतलब जो आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानी च इच्छति, जो अपना कल्याण, श्रेय मतलब कल्याण, जो अपना कल्याण और अधिक सुखों को, सुखानी बहुवचन मध्य द्वितीय विभक्ति बहुवचन, फलं फले फलानी, तो यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, जो अपना कल्याण और अधिक सुखों को चाहता है। इच्छति मतलब चाहता है, इच्छा करता है, जो अपना कल्याण और अधिक सुखों को चाहता है, या आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति,
जो अपना कल्याण और अधिक सुखों को चाहता है, सब परिभ्य वह दूसरों का, सब परिभ्य वह दूसरों का कदापि कदापि कभी भी, सब परिभ्य वह दूसरों का कदापि कभी भी अहितम कर्म न कुर्यात्, अहित कर्म को न करे। क्या कहा? कि जो अपना कल्याण और अधिक सुखों को चाहता है, वह दूसरों का कभी भी अहित कर्म न करे। कुर्यात् पदे विधि लिंग प्रथम पुरुष एक वचन रूप चलता है, कुर्यात् कुर्याताम कुर्युः। तो क्या कहा कि यह आत्मतः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति स परिभ्यः कदापि च अहितं कर्म न कुर्यात्। जो अपना कल्याण और अधिक सुखों को चाहता है, वह दूसरों का कभी भी अहित कर्म न करे। क्लियर हो गया? बोलिए। यस सर। यस सर। तो काजल जल्दी बोल दो एक बार, अनवय जल्दी। यह आत्मना श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति स परेभ्य कदापि अहितम कर्म न कुर्यात्। कृत्या कृत्या। यस सर। बोलो बोलो। यह आत्मना श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति स परेभ्य कदापि अहितम कर्म न कुर्यात्। अब मुस्कान बोलेगी क्या? मुस्कान स्नेहा सिंह सुहानी। यस सर। बोलो। यह आत्मा ना श्रेय प्रभु तानी सुखानी च इच्छति स परेभ्य कदापि अहितम कर्म न कुर्यात्। वेरी गुड वेरी गुड। तब ये समझ में आ गया आप लोगों को, तब इसे हम मिटाते हैं, ठीक है? अगला श्लोक है और लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, वो बिल्कुल आसान है। हमारे पास समय अभी है 2 मिनट और उस समय का सदुपयोग कर ले। आचार प्रथमो भाव इति एतद् विदुषां वचः, विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यः अपि विशेषता। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान। अभी समय मेरे पास 1 मिनट है। आचार प्रथमो धर्म, आचरण पहला धर्म है। सुंदर आचरण मनुष्य का पहला धर्म है, ऐसा यह विद्वानों का वचन है। आचरण पहला धर्म है, ऐसा यह विद्वानों का वचन है। इसलिए तस्मात का यह अपे की तरह प्रयोग किया, इसलिए प्राणेभ्यः अपि विशेषता, प्राणों से भी विशेष रूप से सदाचारम रक्षेत, सुंदर आचरण की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, क्या कहा कि आचरण पहला धर्म है, ऐसा यह विद्वानों का वचन है, इसलिए प्राणों से भी विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो
समय भी अब समाप्त होने वाला है, लेकिन आप लोगों से यह मेरी प्रार्थना कि कल 6th चैप्टर से शुरुआत करेंगे, रिवीजन क्लास होगा, ठीक है? तो कल 6th चैप्टर, कृत्या तैयारी कर लेना, काजल आप भी तैयारी कर लेना।